नहीं लगाएंगे उतना। अपना ब्रेकफास्ट काश इस कॉलेज में कभी एंट्री मिल आया, लास्ट में ना इसमें तड़का लगा दिया, इतना अजीब तरीके से देख रहा है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए दिन की शुरुआत में। तो आज उठने में काफी ज्यादा हमको लेट हो चुका है। कल का बचा हुआ चावल है तो उसको अभी फ्राई करेंगे, देखो बाल कैसे हो गए। कल का बचा हुआ चावल उसको फ्राई करेंगे, उसके साथ ही बनाएंगे रायता। बूंदी तो है नहीं, सिंपल सा दही का सिंपल सा रायता बनाएंगे, तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वैसे तो ब्लॉग्स बनाने का आज एकदम ही मन नहीं था, सोचे तो थे कि दो चार दिन का ब्रेक ले लेंगे, फिर सोचे कि चलो अभी कुछ कुछ बना ही रहे, क्यों ना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ देखिए सारी चीजों को छोटे छोटे पीसे में कट कर दिए, और यहाँ थोड़ा सा गाजर जिसको करेंगे कद्दूकस, इसको डायरेक्ट इसमें कर देते हैं एंड फिर इसमें मिक्स कर देंगे वही नमक, थोड़ा मिर्ची, चाट मसाला है तो फिर बेस्ट है चाट मसाला। फिलहाल जलजीरा होगा पास में तो जलजीरा डाल दीजिए, उसके बाद फिर जल्दी से इसको बना के हमको नीचे भी जाना पड़ेगा क्योंकि सत्यम का स्कूल से आने का समय हो चुका है, पापा जाएंगे। थोड़ा ना इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया और साथ ही में भी काला नमक जाएगा, और लास्ट में ना इसमें तड़का लगा दिए जीरा, थोड़ा सा उसमें डाल दिया था सरसों मिर्ची और उसके साथ ही में और क्या बोल, अरे मिर्ची जल गया, मिर्ची लहर रहा है, हल्का सा वो डाले, और मेथी पत्ता और बस रेडी। देखिए गाइस हम आ गए दुकान में, मेरे पास फोन आया हुआ है, अच्छा हाय करो, ऐसे हाय बोल के मारेंगे एक मुक्का, मेरे ऊपर बरसे ही बरसे है, अभी रुला चुके हैं इसको। फुआ भी आई हुई है, 4 kg चावल हो गया, इतना टाइम हो गया हमको दुकान से आते, इधर हम अपना ब्रेकफास्ट करने लगे, चावल बासी वाला, उसके साथ ही में करेले का भुजिया और साथ ही में रायता। दुकान बढ़ चुका था लेकिन अभी ये चावल का बोरा या कुछ तो हमको नीचे आना पड़ा, बाकी नहा धुआ लिए हम जा रहे थे पूजा ही करने के लिए। जहरीला सब्जी बना होगा मम्मी, हुआ ही हो कि अभी ना कटहल का सब्जी हम बना रहे थे, मम्मी कटहल के सीजने में ऑलरेडी नमक दे रखी थी और हम भी दे दिए, बोलती है क्या नमक तेज नहीं हो गया होगा, हमने हुआ तो जरूर होगा क्योंकि हम पूरा अंदाज से नमक डाल दिए। खैर अभी हम चले गए थे थोड़ा दूर दुकान पे, गर्मी में ना इतना आलस आता है पता, कुछ किया ही नहीं जाता, इतना आराम आराम से करते करते बच गया है एक, सुबह से तो इतना ज्यादा धूप नहीं था, अभी धूप आ गया है। गाइस देख लीजिए गर्मी इतना ज्यादा हो गया है कि एसी को रोड पे लगा दिया गया, इस गर्मी की वजह से ना मेरा पूरा बैटरी डाउन हो गया, ना मेरे से कोई काम किया जाता है, ना मेरे से वीडियो शूट होता है, ना मेरे से ब्लॉग एडिट होता है, ना मेरे से पेंटिंग होता है, हमसे कोई काम ही नहीं हो रहा है, हम क्या बोले 2-3 दिन से तो हम एकदम ऐसे वीडियो बना रहे, लग रहा है कि एकदम मजबूरी में ब्लॉग बना रहे हैं। खैर चलिए इधर का सारा काम हो गया, अभी हम जाने लगे, सोचे कि चलो क्यों ना चाय साय पिया जाए और दिन को प्रोडक्टिव बनाने का प्रयास किया जाए, जो कि होने पा रहे हैं लेकिन फिर भी करना है। अच्छा आप लोग बताओ, आप लोगों को मेरे वीडियोस में मतलब किस टाइप का वीडियोस देखना पसंद है, प्लीज कमेंट करके बताओ, क्योंकि हम बहुत कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूजन के चक्कर में ना हम बस दिन भर सोए रहते, एकदम मेरा अजीब ही जिंदगी चल रहा है, क्या बोले। आज भी मेरा ना घर से निकलने का मन नहीं था, हम 3 बजे लिटरली घर से आए हैं, फिर सारा काम हम खत्म करने के बाद अभी जा रहे हैं फाइनली चाय पीने, वो भी जल्दी से हो गया, देखते धूप लग रहा है अभी 4:30 बजे। तो यहाँ ये ना एक मेडिकल कॉलेज है गाइस, इधर से जब भी हम पास करते थे ना कभी भी अक्सर हम सोचते थे देख के काश इस कॉलेज में कभी एंट्री मिलता, कितना बड़ा कॉलेज है देख के लगता था, और मतलब ये भी सोचते कि काश मेरा भी एडमिशन हुआ होता कुछ इसी तरह बड़ा कॉलेज में, हम भी पढ़ते रहते कितना मज़ा आता। और जब फाइनली अभी एडमिशन हो गया ना तो पता चलता है क्या कि ये सब कॉलेज मतलब मेरे कॉलेज के सामने में अब हम कंपेयर तो नहीं करेंगे लेकिन हाँ ऐसा कह सकते हैं कि मेरा कॉलेज भी बहुत अच्छा है। तो अभी हम कुछ दिनों के बाद हम जाने वाले हैं पटना कुछ काम से, एक शूट को लेके, एक मिनट रुकिए सामने से इतना अजीब तरीके से देख रहा है हमको, वीडियो में बोला ही नहीं जा रहा है कुछ, इतना घूर के कौन देखता है। हाँ तो हम जाने वाले अभी पटना एक शूट के पर्पज से, उसके बाद फिर हम वापस से कोलकाता जाएंगे, तो इस बार आप लोगों को अपना कॉलेज घुमाएंगे। अपने कोड़ी परा को देखते हुए 10 मिनट घर आके सोए, उसके बाद फिर हम उठ गए, चलिए अभी बनाते हैं चाय। तो किचन में सत्यम कर रहा है मदद, यहाँ पानी और सॉरी चाय पत्ती और पानी डाल दिया, लो दूध का पैकेट कहाँ रखा है, ये सब चल रहा है क्या इंडिया में। तो चाय बनाया है, हाँ हाँ बनाया है, और थोड़ा सा चाय मेरा भी है, बाकी चाय वाय तो बन गया, और इधर मेरा डायरी चार्जर वगैरह सब कुछ ले लिए, चले चलते हैं नीचे और आज आप लोग एक साथ दुकान वाला रूटीन शेयर करेंगे। सुबह चाय पीने के बाद स्टार्ट हो गया गाइस काम में, देखिए गाइस आज मेरे घर कौन आया, हाय करो सबको, हाय और जय श्री राम करो सबको, जय श्री राम कैसे करती है, जय बाबा करो, जय बाबा करो, जय। हुआ क्या खिलाई, आइसक्रीम जोर से बोल दो, बोलो आइसक्रीम, आइसक्रीम मिला मानो आइसक्रीम खाई, देखिए चलेगा नहीं मिलता, हाँ वैसे लाइन बोलता है, हाँ
की देखी गाइस, देखे मेरी दुल्हनिया को कितनी क्यूट लगी है। क्या बनी है मानू? दुल्हन बनी है, बोलो ना जरा सा दुल्हन बोलो। हाँ चलो हम इसमें इसमें ऐसे ऐसे सजा देंगे, चल चलो और सुंदर बना देंगे। अरे बाबा थोड़ा सा लगाएंगे, नहीं लगाएंगे उतना। करवाने वाली को इतना मजा आ रहा है तो समझ रहे हो, देख रहे हो एकदम छोटा छोटा डॉट दे रहे थे। वाओ मेरा लिपस्टिक लाओ, मुंह में लगाते थोड़ा सा। वाओ देखो देखो गाइस मेरा लिपस्टिक का, देख रहे हो क्या हल्की है, मजा आता है। लिपस्टिक लगवाएगी, बिंदी लगवाई दे देती। मिला मिला, लड़की है इतना बुझती है, हमको तैयार कर रहा है। देखो गाइस इसको दिखाओ, मानो सबको दिखाओ, इधर घूम के दिखाओ। देखो देखो मेरा बच्चा कितना सुंदर लग रहा है, लग रहा है ना सुंदर? सबको हाय करो जोर से बोल के। उमाली उमाली उमालो, मम्मा को फिर से ले लो एक बार। नहीं एक बार ले लिया, हो गया। दिखाएंगे ना दादी को? हाँ चलो। देखो देखो कैसे साड़ी पहन के चल रही है दुकान में। अब खोल दे मानू साड़ी, खोल दे। नहीं सुबह को मम्मा बोलती है ना, खोल दे साड़ी मानू, साड़ी खोल दे, खोल दे साड़ी। मम्मा चल रही, हाँ चलेगा, जो रख दे मानू साड़ी खोल दे। देखे वही पहन के जाएगी, पहन के जाएगी। जा रे मम्मा भाई जी जा। देखो जी वाला चलेगा। आजकल मेरा पढ़ाई लिखाई होता है दुकान में, मेरा पढ़ाई नहीं होता, सत्यम के बुक्स में क्वेश्चन आंसर में इधर टिक कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि जितना भी बुक है सारे का स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारे चैप्टर में टिक कर दें। वो क्यों आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताते हैं। तो गाइस चलिए आप लोगों को माजा पिलाते हैं, हम नहीं पिलाएंगे, हम बताते कौन पिलाएंगे। देखिए हमको माजा पिलाएंगे, हम फिर हम आप लोगों को पिलाएंगे। खोलो सेम, खोलो जे ना, खोलो जे ना। क्या मैया देखो ना, वो ढक्कन में खोल पा रही है, सेक करती तो हमने नीचे में वो। चलो चलो ऊपर का पी लो, चलो चलो तुम, हम तुमको पिलाएंगे, तुम हमको पिलाना तो नहीं, तुम हाथ का लगा रही है भागे यहाँ से। हाथ नहीं हमने पिएंगे, हाथ लगाने नहीं दे रही, ऐसे पिएंगे। तब फायदा क्या होगा तुमको पीने से? छुछुंदर हाथ लगाइए भी अपना, ऐसे पिलाता जानवर जाहिल जैसा। हमको नहीं पीना, हमको पीने नहीं छोड़।